बड़ी खबर आपको बताया, दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही बरेली की छात्रा की करंट की चपेट में मौत हो गई है। आरोपी है कि दिल्ली के करोलबाग में एक लाइब्रेरी में बायोमेट्रिक एंट्री के दौरान करंट लगने से छात्रा के हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया है। पीड़ित छात्रा उत्तर प्रदेश के बरेली की रहने वाली है। आरोपी है कि दो हफ्ते पहले छात्रा वाणी करोलबाग के ब्यूरोक्रेट लाइब्रेरी में पढ़ने गई थी और इसी दौरान वहां बायोमेट्रिक एंट्री लॉक पर एंट्री के वक्त करंट लग गया, जहां से उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां भी उसे दिल्ली से बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी वो आईसीयू में भर्ती है। तो बड़ी खबर, छात्रा की हालत बेहद गंभीर है। बायोमेट्रिक एंट्री के दौरान छात्रा को करंट लगा, आईसीयू में छात्रा भर्ती है, उसका इलाज जारी है। इससे क्या हुआ, ये लड़की वहां पर कोचिंग में सुबह गई, गेट इसने क्रॉस किया, गेट के आगे जाके ही इसमें थंब इम्प्रेशन की मशीन लगी हुई थी अटेंडेंस वाली, इसने मशीन पे अपना थंब इम्प्रेशन लगाया और नीचे वहां पर थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था और उसने लोहे के गेट पे हाथ रखा। जैसे ही उसने हाथ रखा एकदम उसको करंट लगा और उसके बाद में वो पूरी तरह कोलैप्स कर गई, वहीं बेहोश होकर गिर गई। आनन फानन में सब लोग उसको उठा के सफदरजंग अस्पताल ले गए, वहां पर उसको रिवाइव किया गया और उसके बाद में वहां उसको स्थिति थोड़ा सुधार आया। फिर नेक्स्ट एम्बुलेंस से उसको अर्धमूर्छित अवस्था में यहाँ मेरे पास लेके आए। नाबालिग से गैंगरेप मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। आरोपी एसपी नेता की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। मोहित खान की संपत्ति की जांच शुरू की जा चुकी है। इसके लिए राजस्व विभाग की टीम भी मोहित खान के घर पहुंची। मोहित खान पर तालाब और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का आरोप है। इस मामले में इलाके के थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज सस्पेंड किए जा चुके हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अब मोहित खान की संपत्ति की जाँच शुरू की जा चुकी है। एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी, कड़े एक्शन का भरोसा दिलाया था। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर भी लिखा था कि दोषियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर यही मिल रही है कि मोहित खान ने अवैध कब्जा करके जो संपत्ति का निर्माण करवाया है उन सब पर बुलडोजर एक्शन जल्द शुरू हो सकता है। अयोध्या में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप मामले में सीएम योगी के आश्वासन के बाद एक्शन शुरू हो गया है। थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया और अब आरोपी मोहित खान की कुंडली खंगाली जा रही है। समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान की संपत्ति की जांच शुरू हो गई है और इसी कड़ी में एसडीएम टीम लेकर मोहित खान के घर भी पहुंचे। जहां तक सवाल है प्रॉपर्टीज का, वो जस्ट चेक किया जा रहा है इल्लीगली क्या है और कहां कहां है, कैसा है। नहीं ऐसे बताना शायद उचित नहीं रहेगा अभी ना। जिस तरह यूपी को अपराध मुक्त करने के लिए माफिया और गुंडों के खिलाफ यूपी में बाबा का बुलडोजर चला, अब 12 साल की बच्ची से रेप के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। ये बात खुद पीड़ित बच्ची की मां ने कही है कि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बुलडोजर एक्शन का भरोसा दिलाया है। सजा मिलेगी उनको, जो अब सारे कब्जे में उसके बुलडोजर चलेंगे, सारे आश्वासन उन्होंने हम लोगों को दिए। दूसरी कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? हो रही कार्रवाई, क्या बातचीत हुई? वही बातचीत हुई कि उस पर उसको फांसी दिया जाए ताकि कोई और दरिंदा इस तरह ना तैयार हो, किसी और बच्ची के साथ ऐसा ना हो। या बुलडोजर चलाने जी मांग किया गया, क्या कहा? जरूर चलेगा, जितनी भी अवैध संपत्ति है उस पर जरूर चलेगा। सीएम योगी ने रेप पीड़िता की मां से मुलाकात की और कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि बच्ची को हर कीमत पर न्याय दिलाने के लिए वो प्रतिबद्ध है। बच्ची से गैंगरेप के मामले में आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान सलाखों के पीछे है, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर कोई एक्शन नहीं लिया है। बीजेपी ने सवाल किया कि आरोपी मोहित खान को समाजवादी पार्टी ने अब तक पार्टी से क्यों नहीं निकाला। वही समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर ही साजिश का आरोप लगाया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसको निकाला नहीं है। निकालेंगे क्यों भाई, पिछड़ों की
बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, गुमराह करने का प्रयास करते हैं, झूठ फैलाया और झूठ फैलाकर जीते हैं, कुछ सीटें बढ़ी हैं, निश्चित रूप से इनके हथकंडे इनके कारनामे इसी तरीके से हैं। आनंदगल झूठे लोगों को समाजवादी को बदनाम करने के लिए कभी कभी ध्यान नहीं देती है और लोग स्थानीय स्तर पर उसे फंसा देते हैं। इस मामले पर सीएम योगी ने विधानसभा में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला था, जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। सीएम योगी के निर्देश पर राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल ने महिला चिकित्सालय में पीड़ित बच्ची से मुलाकात की है। सीएम योगी ने पीड़ित बच्ची की सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं।